तो स्वागत है आप सभी का एग्जाम चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा ग्यारह अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स का पेपर लाए हैं दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं और आप वार्षिक परीक्षा 2021 देंगे क्लास एलेवेंथ की और आप आर्ट साइड से पढ़ते हैं आर्ट स्ट्रीम में हैं और अर्थशास्त्र अगर आपका सब्जेक्ट है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों इसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अर्थशास्त्र का पेपर आता है यूपी बोर्ड में कक्षा ग्यारह के लिए तो दोस्तों ये दो हज़ार बीस का पेपर है जिसका यूज आप मॉडल पेपर की तरह कर सकते हैं अब ये पता नहीं मुझको कि यहाँ पर पूर्णांक मैक्सिमम मार्क नब्बे क्यों छप गया है नब्बे क्यों प्रिंट हो गया है यहाँ पर सौ होना चाहिए था समय आपको मिलता है तीन घंटे पंद्रह मिनट तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिलेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न आता है कि अर्थशास्त्र को मुख्य समस्या चुनाव की है यह किसका कथन है तो सही विकल्प आपको चयन करके लिखना होगा दोस्तों तो हम यहाँ पर आपको केवल मॉडल पेपर दिखाएंगे सॉल्यूशन हम अलग से प्रोवाइड कराएंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएंगे कि आपको इस पेपर का सॉल्यूशन भी चाहिए दूसरा प्रश्न है कौटिल्य की पुस्तक कौन सी है तो दी वेल्थ ऑफ नेशन एक विकल्प है अर्थशास्त्र या एन एस ए ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस या द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अगला प्रश्न है हमारा अर्थशास्त्र क्या है एक विज्ञान है या कला है या विज्ञान और कला दोनों है या उपर्युक्त उप में से कोई नहीं दूसरा है हमारा उपयोगिता से क्या आशय है यहाँ पर सही विकल्प आपको चयन करके लिखना पड़ेगा यहाँ पर uh, सभी विकल्प दिए हैं तो आप इसको देख लेना अगला प्रश्न आता है हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है ये भी कि तुष्टि गुण किस प्रकार की अवधारणा है तुष्टि गुण किस प्रकार की अवधारणा है ये सामाजिक अवधारणा है या वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक या मनो परंपरागत अगला प्रश्न है हमारा छठा बहुविकल्पी प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण कौन सा है केंद्रीकृत नियोजन या कीमत तंत्र संसाधनों का निजी स्वामित्व या लाभ का उद्देश्य अगला प्रश्न है भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था विद्यमान है नियोदित पूंजीवादी समाजवादी या मिश्रित अगला प्रश्न है कि पूंजी पूंजीवाद में उत्पत्ति के साधनों पर किसका अधिकार होता है पूंजीवाद में उत्पत्ति के साधनों पर किसका अधिकार होता है सरकार का या जनता का व्यक्तियों का या समाज का दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर ये हमारे बहुविकल्पी प्रश्न थे टोटल आठ बहुविकल्पी प्रश्न है यहाँ पर तो यहाँ पर आप इसको ध्यान से करिएगा आठ बहुविकल्पी प्रश्न है अब चलिए देखते हैं हम अपने इस प्रश्न पत्र में आगे कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं तो दोस्तों यहां से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न किन्हीं पांच प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं तो सबसे पहला प्रश्न है कि जब सीमांत तुष्टिगुण शून्य होता है तो कुल तुष्टिगुण कैसा होता है जब सीमांत तुष्टिगुण शून्य होता है तो कुल तुष्टिगुण कैसा होता है दूसरा प्रश्न है टीवी का उपभोग किस प्रकार का उपभोग है टीवी का उपभोग किस प्रकार का उपभोग है अगला प्रश्न उठाते हैं कि जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो क्या लकड़ी नष्ट हो जाती है अगला प्रश्न है तुष्टि गुण को मापा क्यों नहीं जा सकता तो गुण को मापा क्यों नहीं जा सकता नेक्स्ट क्वेश्चन कि जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध पुस्तक किसने लिखी है जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध पुस्तक किसने लिखी है इसके राइटर के नाम आपको लिखना है राइटर का नाम आपको लिखना है अगला प्रश्न है हमारे पास अगला प्रश्न कहता है कि आर्थिक विकास शब्द से क्या आशय है आर्थिक विषय आर्थिक विकास शब्द का क्या तात्पर्य है इसका मतलब ये हुआ अगला प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्रोहेंसन ने क्या कहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्रोहेंसन ने, प्रो ने क्या कहा है ये वाला हमारा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्रोहेंसन ने क्या कहा है चलिए अब देखते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न यहां पर भी आपको केवल पांच प्रश्नों के उत्तर देने हैं सबसे पहला प्रश्न है सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास कि प्रो रॉबिन्स की परिभाषा की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए दूसरा प्रश्न है अर्थशास्त्र का विषय सामग्री स्पष्ट कीजिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा राजनीति शास्त्र का अर्थशास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ता है राजनीति शास्त्र का अर्थशास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अगला प्रश्न है कि उपयोगिता हास नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं उपयोगिता हास नियम को अन्य किस किस नाम से जानते हैं अगला प्रश्न है कि सीमांत इकाई किसे कहते हैं इसमें से आपको पांच प्रश्नों के उत्तर देने हैं आप ये बात अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा सीमांत इकाई किसको कहते हैं अब अगला प्रश्न कहता है तुष्टि गुण की कितनी अवधारणाएं हैं तुष्टि गुण की कितनी अवधारणाएं हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या आशय है तो टोटल यहाँ पर सात प्रश्न आपको दिए हैं जिसमें से आपको पांच प्रश्न हल करने होंगे सात प्रश्न दिए हैं जिसमें से आपको पांच प्रश्न हल करना है दोस्तों अब देखते हैं हम अपने लघु उत्तरीय प्रश्न तो लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया कि कितने क्वेश्चन करने हैं तो आपको सभी क्वेश्चन पाँच करने होंगे पहला लघु उत्तरी प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन के क्या उद्देश्य होते हैं आर्थिक नियोजन के क्या उद्देश्य होते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोष बताइए समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोष बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपयोग तथा विनाश में अंतर बताइए उपयोग तथा विनाश में आपको अंतर बताना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कुल तुष्टी गुण से आप क्या समझते हैं कुल तुष्टी गुण से आप क्या समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र को विज्ञान होने के पक्ष में तर्क दीजिए यह क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में कि अर्थशास्त्र एक्चुअल में है क्या यह विज्ञान है या कला है या विज्ञान और कला का मिश्रण है तो अर्थशास्त्र को विज्ञान अगर है तो इसके पक्ष में आपको तर्क देना है तो ये हो गए हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न अब देखते हैं हम दोस्तों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं तो सबसे पहला विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हम यहाँ पर लेंगे कि तुष्टि गुण तुष्टि गुण की परिभाषा दीजिए उन कारकों या तत्वों का वर्णन कीजिए जिन पर तुष्टि गुण निर्भर करता है दोस्तों यहाँ पर मैं ये पढ़ना भूल गया कि विस्तृत उत्तर ये प्रश्न केवल दो प्रश्नों के उत्तर तो आपको देने हैं केवल दो प्रश्नों के उत्तर आपको तो यहाँ पर देने होंगे तो पहला प्रश्न था हमारा तुष्टि गुण की परिभाषा दीजिए उन कारकों या तत्वों का वर्णन कीजिए जिन पर तुष्टि गुण निर्भर करता है अगला प्रश्न है हमारा कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को स्पष्ट कीजिए आधुनिक मतों को समझाइए दूसरा प्रश्न क्या कहता है दूसरा प्रश्न हमारे पास है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है या मानव कल्याण का शास्त्र विवेचना कीजिए इस कथन की आपको विवेचना करना है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है या मानव कल्याण का शास्त्र अथवा में आपको एक विकल्प मिल जाता है कि पूंजीवाद किसे कहते हैं पूंजीवाद की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए पूंजीवाद किसे कहते हैं पूंजीवाद की मुख्य विशेषताओं को आपको बताना होगा अथवा में आपको एक विकल्प मिल जाता है आप तीसरा नहीं कर सकते तो आप चौथा कर सकते हैं प्रश्न ये प्रश्न है कि विकसित देशों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन उदाहरण उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए विकसित देशों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए दोस्तों तो दोस्तों ये था हमारा पूरा मॉडल पेपर दोस्तों आप एक बार नया सिलेबस जरूर देख लीजिएगा क्योंकि 30 प्रतिशत सिलेबस को कम भी कर दिया गया है तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना वो प्रश्न मत तैयार करना वो प्रश्न मत प्रिपेयर करना जो कि सिलेबस से अब हट गया है तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी इस क्वेश्चन पेपर से इस मॉडल पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे कक्षा ग्यारह यूपी बोर्ड में अगर आप पढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र का पेपर किस प्रकार का आता है तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आपने कर दिया होगा गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग में इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज ट्यूटोरियल्स क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए एग्जाम्स विद एम को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू एंड बाय बाय